मानसून ठीक समय पर आया था। हालांकि उसके बाद से 15 दिनों में बंगाल की खाड़ी में कहीं भी मूसलाधार या अत्यधिक मूसलाधार बारिश के हालात नहीं बने हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग के निदेशक मोहनलाल साहू ने कहा कि परिणाम स्वरूप विदर्भ में पिछले औसत की तुलना में 39% कम बारिश हुई। हालांकि इस बीच विदर्भ के कुछ हिस्सों में विरल बारिश दर्ज की गई, लेकिन अभी तक हर जगह बारिश नहीं हुई है। विदर्भ में तब तक बारिश की कोई संभावना नहीं है जब तक कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का पट्टा नहीं बन जाता, ऐसी जानकारी मोहनलाल साहू ने दी है। मानसून के आने के बाद से पिछले 15 दिनों में बंगाल की खाड़ी में एक भी कम दबाव का पट्टा नहीं बना है, इसलिए विदर्भ में बारिश के प्रतिशत में भारी गिरावट आई है। इसके अलावा हवा की दिशा अक्सर बदल जाने से बारिश की मात्रा कम हो गई है। मोहनलाल साहू ने कहा कि अगर मलेशिया और बर्मा से तूफान आता है तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का पट्टा बन जाएगा, जिससे विदर्भ में भी बारिश आ सकती है। जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होने की संभावना है, इसलिए इस महीने कम से कम 2 से 3 बार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव की पेटियां बनने से जून का बैकलॉग भर जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अगले कुछ दिनों में ऐसी कोई व्यवस्था बनने की कोई संभावना नहीं है। अकोला जिले में 105 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसमें अकोला में 27% कम बारिश हुई, जबकि अमरावती में अब तक केवल 91 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 39% कम बारिश है। भंडारा में 41% कम बारिश हुई, जबकि बुलढाणा में 24% कम बारिश हुई। चंद्रपुर में अब तक 121 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो 36% कम है। इसके अलावा गढ़चिरौली में 117 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 47% कम है। वर्धा में भी सामान्य से 47% कम बारिश के साथ स्थिति समान है। गोंदिया में 30% बारिश हुई, जबकि नागपुर में 31% बारिश हुई। विदर्भ में सबसे कम वर्षा यवतमाल जिले में होती है, यवतमाल जिले में 51% कम बारिश हुई है। मानसून जो है यहाँ पे नॉर्मल डेट को आ गया था और उसके बाद से मानसून की गतिविधि चालू है, लेकिन मानसून में हमें जैसे बहुत भारी बारिश या बहुत ज़्यादा बारिश वो स्थिति अभी तक बनी नहीं है। बीच बीच में मिल रहा है हमें बारिश, लेकिन बहुत जो अच्छी बारिश होती है, कंटिन्यूस रेन होती है, उसके लिए हमें एक तगड़ा सिस्टम चाहिए होता है। तो बंगाल की खाड़ी में अभी जून के महीने में एक भी तगड़ा सिस्टम अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तगड़ा सिस्टम से मेरे कहने का मतलब है लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन, इस टाइप के सिस्टम अभी तक एक भी फॉर्म नहीं हुए। तो उसके कारण जो बारिश हो रही है वो या तो लाइट सिस्टम है कि द्रोणिका बन रही है या विंड डिसकंटिन्यूटी है, उसके कारण मिल रहा है। तो उसमें हालांकि बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश नहीं मिल पाने के कारण नॉर्मल रेनफॉल जो है उससे हम डिफिशिएंट में चल रहे हैं। अभी नॉर्मल में अभी नहीं है। तो अभी जुलाई का महीना जो होता है वो बारिश का सबसे मतलब जो है ज़्यादा बारिश वाला महीना होता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुलाई में एक दो डिप्रेशन बे अब बंगाल में बने, तो उसके बाद में ही मानसून सामान्य हो पाएगा। अभी हालांकि बारिश की एक्टिविटी बंद नहीं होगी, बारिश होता रहेगा, लेकिन वही है कि जो एक वर्ड यूज़ करते हैं मध्य भारत में, ठंड वर्षा टाइप का है कि किसी जगह पे अच्छी बारिश हो जाती है, किसी जगह पे नहीं होती है, तो उस टाइप की बारिश अभी चल रही है। और जब तक कोई तगड़ा सिस्टम नहीं बनेगा तब तक बहुत अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। अभी अगले 4-5 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा सिस्टम या बे बंगाल में कोई सिस्टम बनने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।